So we are continuing with our NCERT exercise. We had already completed 15 questions and this is question number 16 from the exercise. क्या बोल रहा है question देखो. The unit of length convenient on an atomic scale is known as angstrom and is denoted by this particular symbol. See, this is the unit of measurement for a very 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 small object. जैसे एटम हो गया, यस, इलेक्ट्रॉन साइज, न्यूक्लियस साइज एक्सेट्रा, इसको मेजर करने के लिए एमस्ट्रॉन्ग ये यूनिट यूज किया जाता है. व्हाट इज वन एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू? वन एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10^-10 meter. इतना होता है वन एमस्ट्रॉन्ग. दिया है वन एमस्ट्रॉन्ग इज 10^-10 meter. ठीक है. द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट दिस. What is the size of hydrogen atom hai, molecule nahi. Yes, the size of one hydrogen atom is given. Achha, size matlab kya? Size matlab radius. So radius of hydrogen is given as 0.5 angstrom, which is nothing but 0.5 × 10^-10 meter. What is the total atomic volume in meter cube of the mole of hydrogen atoms? A mole of hydrogen atoms, yaad karo, what is one mole equal to? How many atoms? 6.022 × 10^23 atoms hote hai ek mole mein. CBSE mein 9th standard mein ye sikha hai, ICSE walon ne 10th mein sikha hai. One mole is equal to these many atoms of hydrogen. Yes, लेकिन क्या बोला है देखो, व्हाट इज द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल. एक मोल का वॉल्यूम कितना है? यस, नाउ सी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल कितना, एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम कितना है? अज्यूमिंग दैट द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या एटम ऑफ हाइड्रोजन इज स्फेरिकल, the volume is 4/3 πr³, correct, which is the formula of volume of a sphere. So ye aayega 4/3 × 3.14 × r, which is 0.5 × 10^-10 ka³. theek hai, now please solve this. Solve karna hai bole to direct multiply karna hai yaar, aur koi shortcut kuch nahi hai. Yes, on solving you get it as 2 × 10^-31 m³. This is the volume of one hydrogen atom. Then what is the volume of one mole of hydrogen atom? एक एटम का वॉल्यूम इतना है, तो इतने एटम्स का कितना रहेगा? 6.023 × 10^23 multiplied by 5.234 × 10^-31. ठीक है, इफ यू सॉल्व दिस, इसको प्रॉपरली कंप्लीटली कुछ नहीं करना है, ये नंबर और ये नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करो, है ना. सो द आंसर विल बी 3.15 × 10^-7 m³. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ, सी द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस. व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? यस, सो मीटर क्यूब में यही वॉल्यूम है. Now, is this your final answer? या इसको कुछ राउंड ऑफ वगैरह कुछ करना पड़ेगा? सी, रेडियस दिए रखा है 0.5 × 10^-10. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ कि नहीं? यस, तो अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर इसको राउंड ऑफ कर दो, तो ये क्या आएगा? 3 × 10^-7 m³, एंड दैट इज योर आंसर. जस्ट राउंडिंग ऑफ to one significant figure, that's it, है ना. क्यों राउंड ऑफ किया? क्योंकि यार जो गिवन है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में है, और ये तो कॉन्स्टेंट ही है यार, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो जो आर का रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा. यस और नो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. वो बहुत ईजी था, सिंपल है, तो समझा होगा अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2.17 One mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies this much molar volume.
देखो यार एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हमने सीखा है पहले भी लोअर क्लासेस में, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स जो कुछ भी होगा. यस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये भी पढ़ा है. नाउ आईसीएससी वालों ने तो ये भी पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स होता है. यस फॉर्मूला है, ठीक है, सीबीएसई में 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है बच्चों ने. 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 विच इज सेम एज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब उसको एक्सटेंड करके बोल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स. दिस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम मतलब द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम है ये, दिस मच लीटर्स, ठीक है. नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, याद रखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. रोज थोड़ी थोड़ी चीज याद रखने बोलता हूँ यार, ऐसे लिस्ट दे के रटो नहीं बोल रहा हूँ, तो एक एक चीज तो याद रख सकते हो ना. सो दिस इज सेम एज 22.4 यस मीटर क्यूब. नहीं, 1 लीटर इज नॉट 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, है ना. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 m³, है ना. तो ये हो जाएगा इंटू 10^-3 m³. यस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज दिस मच ऑफ वॉल्यूम. वॉट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन. टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज 1 एंगस्ट्रॉम. वाई इज दिस रेशियो सो लार्ज. ठीक है, तो निकालना क्या है तुमको, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल यस टू द एटॉमिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एन एटम. यस, और आखिरी में इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो शायद बहुत बड़ी आएगी. तो बोल रहा है व्हाई इज दिस रेशियो वेरी लार्ज. यस नाउ हाउ मच इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 एंगस्ट्रॉम, विच इज नथिंग बट 10^-10 m. यस सॉरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज है 1 एंगस्ट्रॉम. देखो पिछले क्वेश्चन में एटम का साइज दिया था, हाइड्रोजन एटम का रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम. यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का दिया है, मतलब 2 हाइड्रोजन है ना. इसका साइज मतलब यहां से यहां तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम. मतलब रेडियस कितना हुआ, 0.5 एंगस्ट्रॉम, हाँ कि नहीं. यस पक्का, सो दिस इज द रेडियस, ठीक है ना. सो अब निकालना क्या है, वंस अगेन देख लो, द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ मोलर, मोल नीचे लिखता हूं, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आई मीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दे रखा है यार, दे रखा है ना, 22.4 इंटू 10^-3 दिया है ना. मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स. यस दैट इज द मोलर वॉल्यूम. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज दिस मच ऑफ वॉल्यूम. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द मोलर वॉल्यूम, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम, 22.4 इंटू 10^-3 इज द मोलर वॉल्यूम. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मोलर वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सी टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, सी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एटम्स का ही पूछा है ना यार, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 एटम,
एंड हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इट इज 3.15 × 10⁻¹. 3.15 × 10⁻¹ पूरा क्यों लिया? क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर आया था, यस और नो? प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी 3 ले लिया, है ना? जस्ट डिवाइड दिस, तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 7.1 × 10⁴ इज द रेशियो. लुक एट दिस नंबर, यस. ये क्वेश्चन में आर दे रखा है, यस. आर इज गिवन एज 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 7 × 10⁴. सो व्हाट इज दिस रेशियो? 70,000, इतना बड़ा रेशियो आया है, यस. तो ये रेशियो इतना बड़ा क्यों है? व्हाई इज दिस रेशियो सो ह्यूज, ये पूछा है. रेशियो कैसे निकालना है समझा? दिस इज इन जनरल द वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, और बोला है फाइंड इट्स रेशियो विद द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन. वन मोल ऑफ H2 ने वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, फाइन, यस. सो हमने निकाल लिया. बोल रहा है व्हाई इज इट वेरी लार्ज? द रीजन दैट इट इज वेरी लार्ज, द रेशियो इज वेरी लार्ज बिकॉज, लिख देता हूं तुमको ठीक से, यस, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में काम में आएगा. बिकॉज इन गैशियस स्टेट, इन गैशियस स्टेट द एटॉमिक सेपरेशन इज वेरी लार्ज. एटॉमिक सेपरेशन सेपरेशन इज वेरी लार्ज, दैट इज व्हाई मोलर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज. सी, अब गैस है, ठीक है ना? देखो ये क्या है, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, यस. अब हमने डिनोमिनेटर देखो हमारा कितना छोटा है, आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में दिस इज अ गैस, वन मोल ऑफ एनीथिंग, गैसियस स्टेट है. गैसियस स्टेट में द एटम्स आर सेपरेटेड, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज वेरी वेरी लार्ज, यस. और उसको हमने डिवाइड किया बाय जस्ट एन एटॉमिक वॉल्यूम, यस, एटॉमिक वॉल्यूम विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एंड द गैस 22.4 लीटर्स गैस है बच्चों, प्लीज समझो उसको, बहुत है. एंड दिस विल ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज क्वाइट लार्ज, यस. तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, यस, ये सेपरेशन बहुत लार्ज है, इसकी वजह से ये रेशो बहुत बड़ा आता है. आई बात समझ? अच्छा, तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना था इसमें, एक रेशो फाइंड करना था सिर्फ, वो मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा. आगे बढ़ते हैं. सी, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, 2.18, या एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली, कोई कॉमन चीज है उसको एक्सप्लेन करने बोल रहे. इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाय ट्रीज, हाउसेस एक्सेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, द हिल टॉप्स, द मून, द स्टार्स एक्सेट्रा सीम टू बी स्टेशनरी. इनफैक्ट यू आर अवेयर दैट वेन यू आर मूविंग दीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीम टू मूव विथ यू. सी, हमको ऐसे लगता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों मूव हो रहे हैं. लेट्स से दिस इज अ बस, तो ट्रेन के बदले बस बनाता हूं यहां पे, अंडरस्टैंड, ठीक है. वन सेकेंड, इसको हम बनाएंगे थोड़ा नीचे यहां पे, सो दैट आई गेट सम स्पेस. दिस इज द बस, बस के अंदर तुम बैठे हो, द बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. देखो यहां पे पास में एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री. व्हेन यू मूव इन दिस डायरेक्शन द ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, यस और नो? वेरी ऑब्वियस. लेकिन अगर मून है बहुत दूर, वैसे तो इसका रिलेशन पैरेलेक्स मेथड से है, लेकिन फिर भी ये इतनी जनरल चीज है कि मैं किसी को भी सिखा दूं, मतलब किसी को भी हम सिखा सकते हैं, ठीक है. थोड़ा जेनरिक आंसर रहेगा, वैसे ही लिखना है, नॉट टू वरी, ठीक है. बोथ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यस,
both are in the same straight line. So what is the angle made with the observer? 0 degree. Straight, dono sab log ek line mein hai. So the angle made is 0 degree between the observer and the objects. Chalo, ab ye bus yahan pe aa gayi. Let's say the bus has come here and the observer is here. Now what is the angle between the tree and the observer? Dekho, ye angle hua hai theta. Let this angle be theta. What is the angle between the moon and the observer? This is the angle between the moon and the observer, alpha. Very very clearly we can make out that theta is very greater than alpha. Theta काफी बड़ा है alpha से. Yes or no? Yes. Now therefore, for near objects, yes, the angular position, angular position. बच्चों तुम लोग बोलोगे ये सर आपने सिखाया नहीं, ये नहीं वो नहीं. अरे मैंने बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में बोला था कि दिस चैप्टर इज मोर जेनरिक, इसलिए मैं जनरली सिखाता ही नहीं हूं ये, है ना. एनसीईआरटी नहीं सिखाता, जो मेन है एरर एनालिसिस डायमेंशन एनालिसिस वही सिखाना होता है इसमें, है ना. ये सब तो ऐसे ही है बकवास, बट समझो थोड़ा जनरल है, थोड़ा सा इससे तुम्हारा थिंकिंग शायद ग्रो हो जाए, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज ले रहा हूँ, अदरवाइज लेता भी नहीं. फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स द एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज चेंजिंग, इज चेंजिंग मोर रैपिडली. इट इज चेंजिंग मोर, यस ऑर नो? इट इज चेंजिंग मोर एज कंपेयर्ड टू फार ऑब्जेक्ट्स, यस ऑर नो? देखो यहां पे दोनों सबका जीरो था, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, छोटा है, तो इसका एंगुलर पोजिशन ट्री का बहुत ज्यादा चेंज हुआ, यस ऑर नो? एंड देयरफॉर यस, अब तुम बोलोगे कि स्पीड, जैसे ये पीछे जाते हुए दिखता है फास्ट, ये स्टेशनरी दिखता है, तो उसका इस एंगल से क्या लेना देना? ये सारी चीजें आगे के चैप्टर्स में सीखने वाले हो, है ना, ये सारी चीजें सीखोगे. एंड देयरफॉर आई जनरली एडवाइस कि बाकी चैप्टर्स करने के बाद इस पे आओ, तो शायद ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझेगा. तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि इसका जो एंगुलर पोजिशन है वो ज्यादा चेंज हो रहा है ट्री का, एंड देयरफॉर इट अपीयर्स टू बी गोइंग बिहाइंड फास्टर, बिकॉज द एंगुलर पोजिशन इज चेंजिंग मोर रैपिडली एंड मोर. क्लियर है? अब इसका क्या रिलेशन है ये मैं बताऊंगा बाद में आगे के चैप्टर्स में. यस, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव फास्टर, देयरफॉर द नियरर ऑब्जेक्ट सीम टू मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन. क्वेश्चन से छाप देना इसका आंसर. तो ऐसे समझो अभी के लिए ना मैं सिर्फ तुमको स्कूल की एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर सिखा दे रहा हूं, ऐसे ही टाइम पास. इसके पीछे के लॉजिक ना ही अभी समझोगे और ना ही सिखाने सिखा सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले बाकी बहुत चीजें सीखनी है. फाइन, आगे बढ़ेंगे हम लोग. इतना ही आंसर लिखना है तुमको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19-20 इज पैरेलैक्स मेथड, इसलिए छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर 21 देख, प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल, वेरी जनरल क्वेश्चन, प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर अ नीड ऑफ साइंस. साइंस में एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेना बहुत जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू असर्टेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट्स पोजिशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. देखो यार, सपोज लेट्स कंसिडर अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो, है ना. तुम्हारे पास यहाँ पे टैंक है, टैंक समझते हैं, दिस इज अ टैंक. इसमें से तुम एनिमी के स्पेसक्राफ्ट को टारगेट करने वाले हो, यहां से, करेक्ट, ऐसे. फाइन यार, ये स्टेशनरी थोड़ी ना है, ये यहां रुका थोड़ी ना है कि तुम सीधा हाँ भाई आ जा, ये ले टारगेट, ये ले, गया उड़ गया, ब्लास्ट खत्म. नहीं, यस ऑर नो? सी, दिस एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ सपोज आई टारगेट इट हियर, मैं उसको यहां टारगेट करके भेजता हूं हमारे मिसाइल को, देन टिल द टाइम दिस मिसाइल रीचेस हियर, ये एयरक्राफ्ट यहां पे आ चुका रहेगा,
मिस हो गया, वेस्ट हो गया तुम्हारा मिसाइल, हाँ कि नहीं? सो तुमको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए इस बंदे को कि एट व्हाट स्पीड दिस एयरक्राफ्ट इज मूविंग। बहुत प्रैक्टिकल है, हम बहुत प्रैक्टिकल कि ये एयरक्राफ्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे मिसाइल का जो, मेरा जो मिसाइल है उसका स्पीड कितना रहने वाला है ना? तो एट व्हाट एंगल शुड आई टारगेट, यस, कि अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे भी है तो मुझे मिसाइल ऐसे छोड़ना पड़ेगा एट दिस पर्टिकुलर एंगल में भी, कि ये ऐसे जाके यहाँ इसको प्रॉपरली ऐसे हिट करे कहीं पे, व्हाटएवर। समझ में आ रहा है? क्योंकि मिसाइल का पाथ ऐसे रहेगा, हाँ कि नहीं? ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, यस yes? तो मैं किस एंगल में उसको हिट करूं, यस yes? और उसकी स्पीड कितनी है और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, सो दैट इट एक्चुअली हिट्स अ मूविंग एयरक्राफ्ट, यस। एक सेकेंड भी आगे पीछे होता है तो मिस हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, यस, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रहा है ये, यस। दिस वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रडार इन वर्ल्ड वॉर टू। थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन मॉडर्न साइंस वेर प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, टाइम, मास एक्सेट्रा आर नीडेड। ऑल्सो वेर एवर यू कैन गिव अ क्वान्टिटेटिव आइडिया ऑफ द प्रिसिशन नीडेड। बहुत सारा हो सकता है, यस yes? अब तुमने जो सीख रखा रहेगा उसमें से एक आध दो एग्जाम्पल में दे देता हूँ, देन आई लीव इट अप टू यू ऑल्सो टू फाइंड आउट अ फ्यू एग्जाम्पल्स वेर रियली हाई प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड, और 11th 12th में वो प्रिसाइज कैलकुलेशंस कैसे करना है, क्या करना है, वो सीखेंगे। सी इफ यू लुक एट द थर्ड चैप्टर, इट इज मोशन इन वन डायमेंशन मोशन, यस। ICSE CBSE दोनों ने 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर सीखा है, लेकिन अब ये मोशन वो तो रहेगा प्लस एक लेवल ऊपर रहेगा। फोर्थ, मोशन इन टू डायमेंशन, नाउ दिस इज कंप्लीटली न्यू। चैप्टर 5, लॉज ऑफ मोशन, यस, ICSE ने 9th में बहुत डिटेल में सीखा है ये, और CBSE वालों ने भी 9th में सीखा है, लेकिन उससे 2-3 लेवल ऊपर का रहेगा विद प्रिसाइज कैलकुलेशंस एंड सुपर इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा, है ना? बस अपने बेसिक स्ट्रांग रखो। तो ये चैप्टर एक ओवरव्यू दे रहा है, ऐसे एग्जांपल्स बताओ। तो एक एग्जांपल ये हो सकता है, सी हमने लेंसेस पढ़ा है, आई लेंसेस, यस। इफ द पावर ऑफ द लेंस, ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है, अगर फोकल लेंथ, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हारा आई चेकअप कर रहा है ना, वो क्या करता है, आई चेकअप करते हो, एक लेंस तुम्हारे आंखों के सामने रखता है और बोलता है ये दिख रहा है क्या, EFGH, तुम बोलते हो हाँ थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं, फिर वो लेंस को चेंज करता है, नया फोकल लेंथ लगाता है, बोलता है अब दिख रहा है क्या, तुम बोलते हो हाँ थोड़ा क्लियर है, फिर वो और चेंज करता है, बोलता है अब दिख रहा है क्या, हाँ और क्लियर है, यस yes? अगर इसमें थोड़ा भी प्रिसिशन ऊपर नीचे हो जाता है तो तुमको गलत पावर का स्पेक्स मिल जाएगा। एंड सपोज लेट्स से योर एक्चुअल पावर इज -0.25 और डॉक्टर तुमको दे देता है -0.5, तो गड़बड़ हो गई ना यार, 0.5 पावर एक्स्ट्रा दे दिया उसने, मतलब उसने फोकल लेंथ के मेजरमेंट में प्रिसिशन नहीं रखा है कुछ भी, यस yes? और जब तुम्हारा अभी नंबर है भी नहीं 0.5, तो भी थोड़े दिन बाद तुम्हारा आए उसको अकोमोडेट कर लेगा और नंबर बढ़ के 0.5 हो जाएगा, शायद तुमको कोई तकलीफ ना हो बट नंबर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यस यार, बहुत प्रिसिशन चाहिए वहां पे, है ना? ऐसे कितनी चीजें हैं जहां पे यू नीड प्रिसिशन, बहुत चीजें, करेक्ट? कितने गेम्स है जिसमें प्रिसिशन चाहिए, क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल है, फुटबॉल में प्रिसिशन चाहिए प्लेयर्स को, तो काफी सारी, बास्केटबॉल में प्रिसिशन चाहिए। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल यार, तुम लोग थोड़ा, उन्होंने बोला क्वांटिफाई करो, सी गिव एन क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ द प्रिसिशन नीडेड, है ना? तो इसीलिए मैंने ये नंबर्स लेके थोड़ा सा हल्का फुल्का क्वांटिटेटिव आइडिया दिया, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जनरल क्वेश्चन था, जेनरिक क्वेश्चन था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है इसलिए वो मेजरमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं और कुछ नहीं।
These are the types of questions, you know, which are asked in very, very, very highly analytical jobs. किसी एनालिटिक्स जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना तो उसके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यस, एमबीए, मेरा जो एमबीए का इंटरव्यू था उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि हाउ विल यू डिटरमाइन, यस, गेसिंग, गेस करो, गेस हाउ करेक्ट एंड हाउ लॉजिकल इज योर गेस. कितना लॉजिक तुम लगा सकते हो और कितना सेंसिबल लगा सकते हो. आर यू सेंसिबल इनफ, यस, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं. जस्ट द प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट्स. हमने देखा कि प्रिसीजन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रफ एस्टिमेट्स भी इंपॉर्टेंट है. यूजिंग रूडिमेंट्री आइडियाज एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन. थिंक ऑफ वेज बाई विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग. जस्ट सोचो यार, ऑन योर ओन, कम ऑन गाइज, ऑन योर ओन जस्ट थिंक कि हाउ कैन यू फाइंड द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग मानसून. पूरे इंडिया में, यस, जितने भी रेन वाले क्लाउड्स होंगे उनका टोटल मास निकाल के बताओ. यस, एरिया ऑफ इंडिया, चलो थोड़ा हिंट देता हूं. हाउ मच इज द एरिया ऑफ इंडिया, ये बेसिक फिगर्स पता होना चाहिए. पता है जब इंटरव्यूज में जाओगे ना तो इसका भी वो देखते हैं कि क्या तुमको बेसिक सेंस है, बेसिक जनरल नॉलेज है ना. तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ इंडिया, विच इज 3 × 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर. यस, नाउ कितना रेन होता होगा इंडिया में. एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, भाई आई रियली डोंट नो दिस, मैं ले रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तुम लोग थोड़ा एवरेज वैल्यू गूगल से देख लेना. यस, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ रेन, रेनफॉल. अब देखो, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट. हाँ कि नहीं? लेट्स से ये पूरा पानी, ये है इंडिया, यस, और ये पानी यहां पे कलेक्ट हो रहा है अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर. पूरे इंडिया में 10 सेंटीमीटर तक पानी कलेक्ट हो रहा है. अरे ऐसे ही होता है ना, दिस इज द सिलेंडर, है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप है सपोज इंडिया का, है ना, उसमें यहां तक पानी कलेक्ट हुआ ऐसे. तो हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वॉटर, बेस एरिया इंटू हाइट. Yes, और दिस हाइट हमने बोला है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है भाई कंट्री में, हाँ कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, एरिया इज इक्वल टू 3 × 10⁶ मीटर स्क्वायर, यस, का स्क्वायर, नहीं सॉरी, इनटू हाइट 0.1. यस, नाउ दिस इज किलोमीटर स्क्वायर, है ना, और ये है मीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. यस और नो? सो 3 × 10⁶ इंटू 10⁶ आएगा, और एक, अरे किलोमीटर को मीटर में किया, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 1000 × 1000 × 0.1, सो ये आएगा 3 × 10⁻¹¹ मीटर क्यूब. तो इंडिया के ऊपर जितना बारिश होगा सारे क्लाउड्स का मिला करके उसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 × 10⁻¹¹ मीटर क्यूब. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. यस, वॉल्यूम कितना है, 3 × 10⁻¹¹ मीटर क्यूब. हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर, 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube, और ये वॉल्यूम हो गया इन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, 3 × 10⁻¹⁴ kg इज द मास ऑफ एंटायर वाटर दैट इज फॉलिंग ऑन इंडिया. यस, इसमें फिर भी देखो हमने रेन, द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स बोला है
है ना, इसमें हमने सी क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ डस्ट ऑल्सो, ये वो वट एवर, इसमें हमने डस्ट वस्ट का मास ये वो पकड़ा भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ वाटर का मास पकड़ा है। रेन बियरिंग क्लाउड्स तो ऐसे समझो उसमें रेन है, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी चीजें भी तो रहेगा ना यार। अब मुझे बताओ, अगर तुम 11th में नहीं होते, कोई ऐसे जनरल एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाता तो भी इसी तरह से इसको सॉल्व कर पाते। सो दिस इज लॉजिक, एस्टिमेशन, मेजरमेंट, रफ आइडियाज ऑफ हाउ डू यू कैलकुलेट थिंग्स, बेसिक सेंस, कॉमन सेंस जो होना बहुत जरूरी है, काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही बोल रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ एन एलिफेंट, हाउ विल यू फाइंड द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिफेंट। अब तुम कुछ भी बोल दो यार, दिल से कुछ भी बोल दो, 2000 kg ये ले, होगा भाई। अरे लेकिन ये तो अंदाजे बोल दिया ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। देखो तुम बोलोगे 2000 kg, तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा हट बे इतना थोड़ी होता है, 800 kg होगा। तीसरा बोलेगा नहीं बे 1500 kg होगा, लड़ रहे हो वहां पे, है ना। चलो तीनों को बोलो एक सेंसिबल एक्सप्लेनेशन दो, सेंसिबल एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि दिखता है लगता है, अरे लगता वगता कुछ नहीं है ना, सेंसिबल एक्सप्लेनेशन दो इस चीज का कि ऐसा क्यों है भाई, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सेंसिबल एक्सप्लेनेशन कुड बी हो सकता है कोई और किसी और तरीके से बताए, ठीक है, इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो रफली अभी एलिफेंट का ड्राइंग तो नहीं बना सकता यार मैं, लेंथ ब्रेथ हाइट बनाते हैं एलिफेंट। एलिफेंट कितना लंबा होगा, 3 meters, कम ऑन 3 meters तो रहेगा ही रहेगा यार। 1 meter समझते हैं कितना होता है, फ्रॉम योर वन शोल्डर टू द टिप ऑफ द अदर फिंगर, यस, लेफ्ट शोल्डर से राइट हैंड के फिंगर का डिस्टेंस होता है 1 meter अप्रोक्सीमेट, दैट इज एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ 1 meter, फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर टू द टिप ऑफ योर राइट हैंड का फिंगर, ऐसे इतना डिस्टेंस रहेगा 3 meters, है ना। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एन एलिफेंट, हमारा हाइट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.4-1.5 meters के आसपास, 2 meters ले लें, हाइट बहुत नहीं होता है एलिफेंट का, ठीक है ना। एवरेज एलिफेंट ले रहे हैं, अब वो भी तुम बोलोगे कौन सा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट चाहिए, बड़ा एलिफेंट चाहिए, भाई एवरेज एलिफेंट, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, यस। और थिकनेस रहेगी कुछ तो उसकी, थिकनेस, सी ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, कितना मोटू है वो, कितना मोटू है, कितना ढोलू है, यस। सो 1.5 meter ढोलू रहेगा विड्थ उसकी, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिफेंट, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम लोग, सी बच्चों अप्रोक्सीमेशन चल रहा है ना। तुम बोलोगे सर LBH नहीं कर सकते, वो रेक्टेंगुलर नहीं है, पता है यार अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ मैं, कहाँ उसका एग्जैक्ट चीजें निकाल रहा हूँ, है ना। सो 3 × 2 × 1.5, 3 × 2 = 6 एंड ये 9 meter square इज द टोटल एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ एलिफेंट। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम तो पता चल गया, वॉल्यूम कितना है 9 इनटू, अब बोलोगे अरे डेंसिटी कहां से निकालूं मैं एलिफेंट का, सोचो एलिफेंट्स कैन फ्लोट इन वॉटर, हाँ कि नहीं, यस, तो वॉटर का डेंसिटी कितना है, वॉटर का डेंसिटी इज 1000 kg/m³। अगर एलिफेंट उसमें फ्लोट कर सकता है तो एलिफेंट का डेंसिटी कितना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, यस। अब तुम बोलोगे कितना कम लेना चाहिए भाई, अच्छा खासा कम लो क्योंकि बिना मेहनत के फ्लोट होता है, यस, तो चलो 800 ले लूं, अरे कुछ लॉजिकल कुछ तो लेना पड़ेगा, तुम एकदम आधा भी नहीं ले सकते यार, पूरा बाहर नहीं फ्लोट करता है, थोड़ा डिस्कवरीज में देखा होगा एलिफेंट कैसे फ्लोट करते हैं तो समझ में आएगा, क्या
अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने, अप्रोक्सीमेट है यार ये सब, वाटर का तो एग्जैक्ट है, ये तो पता होना चाहिए। यस डाल दो 800, ये कितना है 9872 kg भाई, इतना होता है मास उसका। ठीक है, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा ज्यादा हो गया ये आंसर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका डेंसिटी इतना नहीं होना चाहिए, 600 वगैरह ले लो या सो ये आना चाहिए 5400 kg। ठीक है यार, एक बार थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो एवरेज मास ऑफ एन एलिफेंट। यस, तो एवरेज मास ऑफ एन एलिफेंट 4000 रहेगा। डिपेंड करता है यार, बड़े बड़े अफ्रीकन एलिफेंट्स रहते हैं उनका 4000 से भी ज्यादा रहेगा। यस, जो एशियन एलिफेंट्स रहते हैं हमारे इधर के, उनका मास 4000 के आसपास रहना चाहिए, 4-5000 kg के आसपास, है ना। तो ये जो बच्चे बकवास कर रहे थे ना 2000 kg 800 kg वगैरह, भाई कुछ नहीं है, वो छोटा बेबी एलिफेंट का मास रहेगा। गेटिंग इट? वैसे ही बोल रहा है कि हाउ कैन यू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड, मतलब तुम्हारे सर पे कितने बाल है ये बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर कितने बाल है ये बताओ, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम कितने हैं बताओ। यस, सो गाइज दीज आर द क्वेश्चंस जो थोड़ा लॉजिकली तुमको सोचना है, थिंक करना है ना। सो राइट नाउ आई एम गिविंग यू दीज 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क। ठीक है, चाहो तो नेट पे भी सर्च करो, बट थोड़ा तो सोचो खुद से, थिंक अ लिटिल एंड देन सर्च ऑनलाइन कि हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ हेयर ऑन योर हेड, और देखो थोड़ा यार, बहुत टाइम है तुम्हारे पास अभी, मुझे पता है बहुत टाइम है, प्लीज ट्राई। एक क्लासरूम है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, ट्राई टू फाइंड आउट, थिंक, जितना सोचोगे उतना अच्छा है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर। ठीक है, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर ऑफ 107 केल्विन एंड आउटर सर्फेस टेम्परेचर टू बी 6000 केल्विन, अंदर का टेम्परेचर और सर्फेस टेम्परेचर। At these high temperature, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of sun to be in? In the range of densities of solids or liquids or gases. Yes? Check if your guess is correct from the following data. Mass of sun and kg and radius of sun. So density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. Sun is spherical, 4/3 πr³। ठीक है, डाल दो यार values, ये 3 ऊपर चला जाएगा। Yes, what is mass of sun? 2 × 1030 kg। 1030 नहीं होगा यार ये, I copied the question so looks wrong. 2 × 10⁻³० into 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यस डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 into यस 7 × 10⁸ m का क्यूब, 7 × 10⁸ m का क्यूब, आर क्यूब। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके आंसर आएगा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ गाइस इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, कैलसी पे यू गाइस हैव टू कैलकुलेट दिस, × 10³ kg/m³। यस, सो दिस इज द डेंसिटी। अब कितना है ये डेंसिटी देखो, 14000, है ना। यस, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 kg/m³ डेंसिटी ऑफ वाटर। यस, ये है इतना kg/m³। यस, वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज्यादा। ये क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ सन टू बी, इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस। सो इट इज इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, है ना, इट इज इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, तो लिक्विड से बहुत ज्यादा है, गैसेस का डेंसिटी तो कम होता है, यस सॉलिड्स का ज्यादा होता है, तो इट इज इन द रेंज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23।
again kind of a very general question. So guys, by now I hope you also know इस chapter में prepare क्या करना है, JE में क्या questions आते हैं, किसके questions आते हैं. So it is error analysis and dimensional analysis. Yes? तो error analysis और dimensional analysis को कड़क prepare करना है, ठीक है. चलो एक question 26. It is claimed that two clocks, cesium clocks, if allowed to run for 100 years free from any disturbance may differ only about 0.02 seconds. What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring time interval of 1 second? Yes, matlab kya? Chal, pehle to 100 saal tak ek watch hai, pendulum clock hoga maybe. Yes, yeah, normal watch. It is allowed to run for 100 years. 100 years matlab kitna time chal rahi hai wo? 100 into 365 days per year into 24 hours per day. 100 years, 365 days, 24 hours, 3600 seconds. Itne seconds tak wo chal rahi hai. Yes, this is nothing but the total time for which the clock is running, small t. Total time for which the clock is running. Is duration mein pura 100 saal mein usme error kitna aaya, delta t was just 0.02 seconds was the error in it. Error in 100 years was this much. 100 saal mein sirf 0.02 ka error aaya. Yes, to wo kya bol raha hai? What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring 1 second? Matlab 1 second agar mujhe measure karna hai to usme error kitna hoga? Yes, is as simple as that. To dekho, 100 years matlab ye cheez, ye wala value likhta hu. 100 years matlab this 365 into 24 into 3600. इतना टाइम मेजर करने में 0.02 का एरर था, तो 1 second मेजर करने में कितना एरर होगा? सिंपल, खत्म. यस और नो? यस. तो बेसिकली पूछा क्या है? डेल्टा ऑफ कैपिटल टी पूछा है. यस, डेल्टा ऑफ कैपिटल टी पूछा है. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा ऑफ कैपिटल टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्मॉल टी अपॉन टी. मैं ये भी यूज कर सकता था. यस और नो? या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो, एक ही बात है. डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इनटू टी. टी कितना है? 1 second. बोला है ना, 1 second कितना मेजर करने में कितना टाइम लगता है. तो वो करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. यस, फॉरगेट दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो. तो एक्स विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय दिस लॉन्ग नंबर 100 into 365 into 24 into 3600. तुम बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट करे? भगवान तुम्हारा भला करे, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं आता है एग्जाम. मैंने कैलसी पे निकाला है, टेंशन नहीं ले. कैलकुलेशन सिखाऊंगा रे, जब जरूरत रहेगी सारे कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेशंस बोर्ड के हिसाब से इसको एग्जैक्ट कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाऊंगा, और अप्रोक्सीमेटली कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा. अगले चैप्टर से सब कुछ, अभी कुछ नहीं, बकवास है ये सब. ठीक है, फिलहाल के लिए ये आंसर है. 6 × 10⁻¹² सेकेंड्स इज द एरर. समझ में आया? यस, परफेक्ट. तो इतना एरर है, आंसर खत्म. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है, जो है जितना सब करना है वही करा रहा हूं. ठीक है, दो क्वेश्चन छोड़ दिए सिर्फ. यस, अ लेजर इज अ सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट. अरे लेजर लाइट है. यस, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस. लेजर लाइट से लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं कैसे? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ हैज बीन ऑलरेडी डिटरमाइंड वेरी प्रिसाइजली यूजिंग अ लेजर एज अ सोर्स ऑफ लाइट. ये देखो, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून. हमारा मतलब, हाँ हमारा ही. यस, ये है हमारा मून.
इनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया गया है यूजिंग अ वेरी 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 पावरफुल लेजर लाइट. कैसे? अ लेजर लाइट बीम एट द मून टेक्स 2.56 सेकेंड्स टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मून सरफेस. यहां से मैंने एक लेजर लिया और मून के सरफेस की तरफ टारगेट किया उसको. यस, ये लेजर यहां पे जाएगा, इस सरफेस से टकराएगा और वापस आएगा इन 2.56 सेकेंड्स. ठीक है, हाउ मच इज द रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है, तो इसका रेडियस बताओ, कितना रेडियस है, ये कितने रेडियस में मूव कर रहा है, या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. यस, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये एको हो रहा है, एको एको के जैसा सम है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, ये तो पता है ना भाई. व्हाट इज द डिस्टेंस, 2 × लेट द डिस्टेंस बी आर, लेट दिस डिस्टेंस वन वे, ये जाने का आर और आने का आर. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है लाइट, 2 आर. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2 आर डिवाइडेड बाय टाइम 2.56 सेकंड्स. अरे स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, काम खत्म, काम तमाम. समझ में आया? अरे आर की वैल्यू निकाल लो यार यहां से प्लीज. 3 × 10⁸ × 2.56 / 2, आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यार. यस, फाइन. सिर्फ ये डिस्टेंस है, हाँ ये दिस इज दिस डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस का डिस्टेंस. क्लियर है? परफेक्ट. प्लीज फाइंड इट आउट, प्लीज प्लीज कैलकुलेट और इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है ना, सही किया ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा. परफेक्ट. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30. अ सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर. अ सबमरीन इक्विप्ड विद सोनार, द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन एंड प्रोब वेव और जनरेशन ऑफ अ प्रोब वेव एंड रिसेप्शन ऑफ इट्स एको इज 77 सेकेंड्स. मतलब यहाँ पे तुम्हारा शिप है या यहाँ पे सोर्स है, सोर्स सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, और यहाँ पे है एक एनिमी का सबमरीन. ये साउंड जाता है यहाँ से, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है इन 77 सेकेंड्स. द टाइम टेकन इज 77 सेकेंड्स. द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर्स पर सेकेंड. हाउ फार इज द, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन. यस, स्पीड इज इक्वल टू 2D/T. वंस अगेन सेम, जाने का डी, आने का डी. तो D इज इक्वल टू V × T/2. वी ए डालो, टी ए डालो, डिवाइडेड बाई 2 करके आंसर निकालो. यस, इन मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? प्लीज कर लो सॉल्व यार, प्लीज डू इट. आगे बढ़ते हैं. वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, 2.31. द फार्देस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स आर सो डिस्टेंट दैट लाइट इमिटेड बाय देम टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ. ये अर्थ है. यस, और इससे सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुए होंगे वहां से लाइट को अर्थ पे आने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज क्वासार्स, QUASARS, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर होते हैं, हैव मेनी पजलिंग फीचर्स विच हैव नॉट येट बीन सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन. अभी तक साइंस इसका स्टडी कर रहे हैं. वॉट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ क्वासार. एक कोई है क्वासर, क्वासार, जो भी बोलना है बोलो उसको. फ्रॉम विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच अस. कितना टाइम लगता है? 3 बिलियन ईयर्स. तो इसका डिस्टेंस बताओ. अभी देखो यहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है भाई. अभी तक रिफ्लेक्शन हो रहा था, साउंड जा रहा था आ रहा था, लाइट जा रहा था आ रहा था, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. बस लाइट यहां से इमिट हुआ और हम तक पहुंचने के लिए उसको लगता है 3 बिलियन ईयर्स. यस, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. हाँ कि नहीं? और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ इंटू 3 बिलियन ईयर्स. ये तो बैंड बज गई. 3 बिलियन कितना होता है मुझे भी नहीं पता. अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इज 3 × 10⁸ इंटू 3 बिलियन होता है 10⁹ ईयर्स, 3 × 10⁹ ईयर्स, यस 3 बिलियन ईयर्स मतलब 3 × 10⁹ ईयर्स, पता होना चाहिए ये सब बिलियन मिलियन क्या है कितना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यार ईयर्स में तो टाइम नहीं लेते हम लोग, हाँ कि नहीं, सो किसमें लेंगे फिर, 365 डेज पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड्स पर आवर, यस इसका वैल्यू निकालो, जो भी आंसर आएगा मीटर्स में, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस मीटर्स में लिख दो या तो फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करके किलोमीटर में लिख दो, बस उसका डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट, ये तो सब बच्चे भी कर सकते हैं छोटे, नाइन्थ में सीखा है सबने साउंड चैप्टर में, यस लाइट साउंड 9, 10, नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर, इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स द डिस्क ऑफ मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन, यार सोलर इक्लिप्स ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स हाउ इज द सिचुएशन, हाउ इज द सिचुएशन मतलब यह है अर्थ, ठीक है यहां पे आ जाता है मून, है ना, दिस इज अर्थ दिस इज मून और यहां पे होता है सन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ सोलर इक्लिप्स, करेक्ट, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर ऑन अर्थ यहां पे, ठीक है, सी द डिस्क, द डिस्क ऑफ द मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन, मतलब यहां पर जो बंदा खड़ा है इसका व्यू, इसका विजन जो रहेगा वो कुछ इस तरह रहता है, ओके यार ओके आई विल ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन, सी इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, यस ये है यहां पे सन, दिस इज सन ओवर हियर एंड यहां पे रहता है मून, ठीक है अर्थ से थोड़ा छोटा है समझ लो, सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर द मून कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, और इसीलिए अंधेरा हो जाता है एट दिस पॉइंट, ये बच्चा जहां खड़ा है उसके ऊपर तो सारा अंधेरा है, व्हाई बिकॉज लुक एट दिस एंगल, ये यहां पे ये जो डिस्क है मून का जो डिस्क है उसने सन को कंप्लीटली कवर कर दिया, द डिस्क ऑफ द सन जो इसके विजन में है, इसके विजन में जो सन का डिस्क है उसको कंप्लीटली कवर कर दिया है उसने, फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर फ्रॉम एग्जांपल्स 2.3 एंड 2.2 डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर फाइंड करना है हमको, यस द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर फाइंड करना, तो अगर तुम टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल 2.3 एंड एग्जाम्पल 2.4 देखोगे तो उसमें से क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, यस द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये डिस्टेंस यहां से इधर, यस द डिस्टेंस बिटवीन आर लिखता हुआ आर एज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ is equal to 3.84 × 10⁸ meter. Example 2.3 में given है. Yes, and the distance between the sun and earth is 1.49 × 10⁴ meter. 1.496 है actually. 10⁴ नहीं रे बाबा, 10⁻¹. 10⁻¹ meter is the distance between the sun and earth. This is the information given in that particular section. और एक चीज दिया है, diameter of sun. The diameter of sun is 1.39 × 10⁹ meter. ये distance. यहां से यहां तक का distance is 1.39 × 10⁹ meter. ICSE वाले बच्चों को याद है या नहीं है मुझे नहीं पता. Similarities chapter में मैंने एक ऐसा question सिखाया है. And here you have to use the concept of similarity. Let me name this triangle. इसको O दे दो observer. ये A, ठीक है? Let this be B. Let this be C. Let this be D. Fine. I'll just join this.
यहां पर यस लुक एट ट्रायंगल ओ ए डी ओ ए डी ये ब्लैक ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ओ ए डी एंड द ट्रायंगल ओ बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए टेस्ट है कि नहीं है अरे ये दोनों पैरेलल रहेगा हाँ कि नहीं सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सो ट्रायंगल ओ ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी Therefore, can we say that AD upon AC, AD upon BC is equal to the diameter of diameter nahi, ye distance, this. Yes, what is that distance? RME upon RSE. Kaise? अरे हमने एक थ्योरम पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में व्हाट वाज दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उसके ये जो परपेंडिकुलर्स है दे आर आल्सो इन प्रोपोर्शन हाँ कि नहीं सो दिस परपेंडिकुलर आई ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन ओवर हियर ये दोनों ट्रायंगल्स है दीज टू ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन तो यहां से ये और यहां से ये दोनों भी प्रोपोर्शन में रहेंगे दिस वॉज द थ्योरम दैट यू हैड स्टडीड This is nothing but diameter of moon upon diameter of sun is equal to RME which is given upon RSE. This is also given. Correct? So what is diameter of moon? RME upon RSE into diameter of sun. What is this distance? 3.84 पूछता ना? भूल गया मैं ऊपर देखना पड़ेगा. 3.84 into 10 raised to 8 into 10 raised to 8 Yes, diameter of sun is given as 1.39 into 10 raised to 9 divided by ये distance दिया था 1.49 into 10 raised to 11 solve करो यार इसको मैं calci पे कर रहा हूँ this is approximately 3.568 into 10 raised to 3 meters the diameter of moon This is the diameter of moon. Again a very general and generic question. सिर्फ calculations based है. बच्चों नाम chapter का units and measurements. तो वो चाहते हैं कि तुम measure करो. ये चीज़ें वो चीज़ें. Actual method से करो. Actual measurement लेके या फिर approximation से करो. या फिर use your logic of measuring. Yes? And this is the exercise of NCERT for you guys. The next time I touch this chapter, it will be only for two topics. One is dimension analysis. Yes. And two, error analysis. और हो सके तो doubts भी मुझे सिर्फ इन्हीं दो topics पे पूछो क्योंकि बाकी सब ऐसे ही है यार time pass है ठीक है प्लीज अंडरस्टैंड बाकी सब कोई यूज नहीं है पैरेलेक्स मेथड एक इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं क्लास में सिखाऊंगा है ना तो प्रैक्टिस भी डायमेंशनल एनालिसिस की ही करना है एरर एनालिसिस की करना है बाकी चीजें समझ लो टेक अ ओवरव्यू जस्ट अंडरस्टैंड कीप इट विद यू कीप इट सेफ एंड आगे बढ़ो अब से जो फिजिक्स चालू होगा वो होगा हमारा मेन एवरीथिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और आगे के चैप्टर्स में इसकी और इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है 12th तक जरूरत पड़ती रहेगी डायमेंशंस की और एरर एनालिसिस की ठीक है अब चालू होगा बहुत ज्यादा कड़क क्लासेस और लेंथी क्लासेस बड़े क्लासेस ओके आई विल सेंड यू अ मैसेज ऑन टेलीग्राम प्लीज रीड आई एम सेंडिंग अ ह्यूज असाइनमेंट ऑन दीज टू टॉपिक्स ओनली बाकी सारे सॉल्यूशंस अपने पास लिख के रखो बट द असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स इतनी प्रैक्टिस सच में कहीं नहीं होने वाली है तुम्हारी जितनी मैं करा रहा हूं ऑन दीज टू टॉपिक्स और ऐसे हर चैप्टर की होगी नाउ ऑनवर्ड्स आवर सीक्वेंस विल बी क्लास न्यूमेरिकल्स
यस क्लास में हम जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करना है तुमको, ऑल इन वन सॉल्व करना है तुमको, एचसी वर्मा सॉल्व करना है तुम लोगों को, एंड एग्जाम्पलर, दिस विल बी अ ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, यही ऑर्डर रहेगा। क्लास में हम कुछ सॉल्व करेंगे, तुम लोग ऑल इन वन पूरा होमवर्क सॉल्व करोगे एज होमवर्क। यस एचसी वर्मा, मैं क्लास में जो जो कराऊंगा ना, विच विल इंक्लूड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एचसी वर्मा ऑल्सो, और पूरा एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी करा दूंगा पूरा, जैसे ये चैप्टर का कराया वैसे, राइट? ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स अनसॉल्व्ड, एचसी वर्मा एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स, कॉन्सेप्ट्स इजी वाले बेसिक क्वेश्चंस ऑन एवरी कॉन्सेप्ट। यस एचसी वर्मा के अच्छे अच्छे सवाल, इजी से लेके टफ तक, ऑल इन वन पूरा असाइनमेंट रहेगा होमवर्क, बचा कुचा एचसी वर्मा असाइनमेंट रहेगा होमवर्क, एंड एग्जेम्पलर विल बी आर रिविजन गाइड। एग्जेम्पलर को हम रिविजन्स में टच करेंगे, ठीक है? तो अभी एग्जेम्पलर को नहीं करना है कोई भी, एग्जेम्पलर रिविजन के वक्त मैं बताऊंगा कब क्या करना है, नॉट टू वरी। प्लस आई विल बी सेंडिंग यू मोर असाइनमेंट्स, यस, और वो असाइनमेंट्स भी करोगे, दिस विल बी आर प्रोसेस ऑफ फिजिक्स, अब चालू होगा मेन फिजिक्स, फाइन? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी माई मैसेज ऑन टेलीग्राम केयरफुली एंड फॉलो, अब बस, ठीक है ना? अब 1 महीना हो गया क्लास, है ना? ठंडा ठंडा बहुत कुछ हो गया, अभी थोड़ा गर्मा गर्मी होगी, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ो, फाइन? टेक केयर गाइस, सी यू, बाय।